एक दूसरे को जयमाला पहनाइए। Oh,
बस बस, सासरे में सलीके से रहना, सबका कहा मानना, और हाँ याद रहे हमारी नाक मत कटवाना। जीवती रहे दीपा, खूब खुश रहे, सुखी रहे, अखंड सौभाग्यवती बन। उर्मिला बेन जी, आप लोग विदाई की विधि कर लीजिए, हम लोग सब बाहर इंतजार करते हैं। आओ बाकी। ये एहसान तो मैं जन्म भर नहीं भूलूंगी। बस अब तो इतना ही कहना है कि मेरी दिकरी का ख्याल रखना। उर्मिला बहन, आप चिंता मत कीजिए, आपकी दोनों बच्चियां एक घर से निकलकर दूसरे घर जा रही हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है, आप इत्मीनान रखिए, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये हमारा वचन है। जमाई राजा, मेरी गोपी बहुत सीधी, इससे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिए। जीतू भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कि गोपी हमारे घर में आपकी भाणेज, मेरे घर की लक्ष्मी है? लक्ष्मी निश्चिंत रहिए आप, मामा पन्ना कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही है। दिख रहा, तुझे विदा होते देख नहीं पा रही थी, इसलिए शायद यहीं कहीं। गोपी बहू, देर हो रही है, घर जाकर और भी रस्में करनी है। गाड़ी में बैठो। माँ को भूल मत जाना, फोन करती रहना। हाँ मम्मी, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखना। मोटा भाई चले। Thank you.